मुंबई के भांडुप पश्चिम स्थित केशवजी नगर के पद्मासागर बिल्डिंग में रहने वाली जनता पिछले कई दिनों से नाले और कचरे की समस्या की वजह से परेशान है। इस बारे में उन्होंने कई बार बीएमसी में और अपने नगर सेवक के पास शिकायत की, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। आखिरकार बिल्डिंग के रहवासियों ने समय नेशनल चैनल के जरिए अपनी बात बताई। बता दें कि जैसे ही समय नेशनल की टीम इस समस्या की छानबीन करने इलाके में पहुंची, वैसे तुरंत बीएमसी प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने और नगर सेवक ने आकर इलाके का परीक्षण किया और तत्काल नाला सफाई व स्वच्छता का काम शुरू कर दिया। पेश है हमारे वरिष्ठ संवाददाता राधेश्याम गुप्ता की एक रिपोर्ट। क्या हुआ, क्या हुआ आपके ना, मतलब मतलब क्या महीना भर हो गया, महीने भर से ये चालू है, पूरा कचरा हो गया है, बोल बोल के परेशान हो गए, एप्लीकेशन लगाई है और इधर देखो घरों में पानी आ गया, कीड़े घुस रहे हैं गटर के घर में, खाना पीना सब जमीन हुआ है, उसके बाद भी देखो कितना कंप्लेंट कर करके परेशान आ गए, तो कहाँ सोएं किधर बैठे, ऐसा हो गया घर में। तो मतलब आप को इसका इतला किया था इस बारे में? हाँ किया हुआ है, दो तीन बार रोज को दिया था, 27 तारीख को देखे आए, 27 तारीख को बीएमसी में कंप्लेंट किया था और उसका सेकंड कॉपी भी है मेरे पास। अच्छा, तो अभी भी आप कितने दिन से ये मतलब ऐसा 10-15 दिन हो गए इस तरह से। लेकिन आप आपने बीएमसी को बताया था कि आपके घरों में पानी आ रही है और इस तरीके से नाले बह रहे हैं, कब ये सब पूरा आपने विवरण दिया था क्या? जी वहाँ पे है ना, राइटिंग में हमने एक एप्लीकेशन की, अपना जो बाजू में है वहाँ पे वो गटर फुल हो जाता है, उसकी वजह से पूरा उसका बाहर पानी आता है और हमारे घरों में पानी जाता है, ये सब राइटिंग में हमने दिया था एप्लीकेशन। तो यहाँ पर कितने रहवासी हैं जिनको ये तकलीफ? यहाँ पे 3 से 4 घर है। चार घर से खाली, चार घरों को तकलीफ है जी। तो ये तकलीफ हो क्यों रही है, क्या आप बता सकते हैं क्यों हो रही है तकलीफ? ये तकलीफ रीजन ये है कि यहाँ से पानी पास हो रहा है लेकिन जो आगे वाला गटर है वहाँ पे कचरे की वजह से आगे पानी का सप्लाई फ्लो बंद हो गया है और हमने वहाँ पे नाला सफाई करने के लिए बहुत बोला लेकिन कोई वर्कर्स लोग वहाँ पे आते नहीं थे काम, और आते तो बोलते ये है ना सेंट्रल एजेंसी का काम है हमारा। तो आप अभी बोल रहे थे कि बिल्डिंग की वजह से जो बिल्डिंगे बन रहे हैं उनके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसका भी थोड़ा बहुत तो सामान वो डालते ही होंगे, उसमें गटर उनके बाजू से ही निकला हुआ है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन का इसके वजह से भी आप लोगों को दिक्कत है? नहीं दिक्कत वो कंस्ट्रक्शन के काम से नहीं, अभी जाम होएगा तो कचरा तो डालेंगे ही, अब कचरा ओपन गटर है, अभी वो वहाँ पे कर दिया है नेशनल स्कूल में, पूरा गटर को पैक कर निकलेगा कैसे।